कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए चौथे लॉकडाउन के बाद भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस बीमारी पर कोई काबू पाया जा सकेगा। WHO भी बहुत स्पष्ट कर चुका है कि अब पूरी दुनिया को इसी बीमारी के साथ अपने आप को रहना सीखना पड़ेगा। कोरोना हमारी जो आदतें हैं उसमें बदलाव तो लाएगा ही, और नहीं होगा तो हमको लाना भी पड़ेगा। जो आदतें हैं, हमको सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना, बार बार हाथ धोने हमको पड़ेंगे, मुंह पर मास्क लगाकर चलना पड़ेगा, अनावश्यक भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो सामान्य सी सावधानियां हैं जो मुझे लगता है कि 3 लॉकडाउन में पूरा देश जो है ये सीख चुका है कि उसको कोरोना के साथ कैसे रहना है। जो भी सरकार है धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि अनिश्चित काल के लिए हम इसको बंद कर दें। ये जो है हो सकता है चौथे लॉकडाउन के बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारी जगह पर ये खुलना चालू हो जाए, सामान्य गतिविधियाँ चालू हो जाए, मॉल वगैरह और शॉपिंग स्टोर्स वगैरह जो है भी शायद ना खुले, लेकिन जो सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट हाउस कंपनियों के ऑफिस हैं वहाँ तो होगा। राजनीति भी चलेगी, बहुत जगह पर उपचुनाव होना है, वो तो उपचुनाव की प्रक्रिया भी जो संवैधानिक मजबूरी है जो 6 महीने के भीतर कराने होते हैं चुनाव आयोग वो भी कराएगा, राज्यसभा के चुनाव भी होना, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए ना 24 स्थानों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है, राज्यसभा के चुनाव भी लंबित हैं। अब राज्यसभा के इन चुनाव का जो समय मिला है इसमें कांग्रेस पार्टी अपने 2 उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचती है ये भी हमें इसमें देखना पड़ेगा कि वो फूल सिंह बरिया को पहली प्राथमिकता पर रखती है या वही दिग्विजय सिंह पहली प्राथमिकता में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो 2 सीटें मिल ही रही हैं, इसमें अब कोई संदेह बचा नहीं है। जिस तरह से कमलनाथ सरकार गई है तो उसमें एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो है उसके जो उनकी 2 दूसरी सीट है वो भी उन्हीं के खाते में जाना है। तो ये सारी चीज़ें कोरोना से जैसे जैसे हम लॉकडाउन से धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आएंगे सब गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। हमने देखा ना कि महाराष्ट्र में भी जो है विधान परिषद के उपचुनाव विधान परिषद के भी चुनाव कराए गए, यहाँ भी अब राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के बाद राजनीतिक दृश्य भी बहुत दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा कि यदि कांग्रेस पार्टी अपनी सभी 22 सीटें जीत पाती है या नहीं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार का भविष्य भी इन विधानसभा के उपचुनावों पर निर्भर करता है। अब जो है ये कोरोना के कारण जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो उनका एकदम जो है जैसे लॉकडाउन शिथिल होगा या लॉकडाउन समाप्त होगा तो वो एकदम सारी चीज़ें उनमें गति आएगी। लेकिन एक जो है आम आदमी को कोरोना के साथ जीने की एक अपने को आदत बनानी होगी, क्योंकि WHO बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि ये अभी कब तक रहेगा कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए यही कह सकते हैं कि कोरोना के साथ रहने की अपनी आदत बनाई और यही एकमात्र जरिया है, इसके अलावा कुछ और रास्ता है नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।